और झज्जर की बात कर लेंगे, जहां लघु सचिवालय की बत्ती गुल है। कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, लोगों को काफी परेशानी इस दौरान उठानी पड़ी। तो 5 से 6 घंटे तक बिजली ना होने से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी थी। तहसील कार्यालय भी जाहिर है पूरी तरह से कामकाज यहां ठप रहा। तो झज्जर के लघु सचिवालय में पिछले 5 से 6 घंटे से बिजली ना होने से कामकाज बाधित है, कामकाज पूरी तरह से ठप। जो लोग अपने काम के लिए लघु सचिवालय पहुंचे थे, तहसील दफ्तर पहुंचे थे, उन्हें भी इंतजार तो करना ही पड़ा है, साथ ही काम ना होने के चलते परेशानी भी झेलनी पड़ी। तो झज्जर से बड़ी खबर, लघु सचिवालय में पिछले 5 से 6 घंटे से बिजली गुल्क है, बत्ती गुल्क है। बिजली ना होने से आप जानते हैं कि कोई भी काम लघु सचिवालय में नहीं हो पाया है। जो लोग अपना काम लेकर देखे, आप तस्वीरों में देखिए, इंतजार करते कतारों में खड़े लोग नजर आए, लोगों ने घंटों इंतजार किया है और अब भी बिजली आपूर्ति से जुड़ी कोई अपडेट नहीं है। यानी 6 घंटे से अधिक का समय हो गया है और अभी भी बत्ती गुल्क है। हालांकि अब से कुछ ही देर में सरकारी दफ्तर बंद होने का भी समय होगा, लेकिन आज का दिन आप मान सकते हैं कि लगभग पूरा दिन बत्ती गुल होने के चलते कोई कामकाज नहीं हो पाया। रमाकांत हमारे संवाददाता झज्जर से फोन लाइन पर हैं। रमाकांत, क्या अपडेट है लघु सचिवालय में बत्ती गुल से जुड़े? रमाकांत, आवाज मिल रही है आपको? तो लघु सचिवालय में पिछले 5 से 6 घंटे से बत्ती गुल्क है, कामकाज पूरी तरह से ठप है। रमाकांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रमाकांत, क्या अपडेट है बत्ती गुल से जुड़े? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार झज्जर के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जब मिनी सेक्रेट में ही लाइट गुल होती है तो आप समझ सकते हैं कि झज्जर की क्या व्यवस्था रही होगी। और यहाँ पर जो कामकाज कराने वाले जो व्यक्ति थे वो तकरीबन 5 से 6 घंटे बाहर धूप में खड़े रहे, और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बत्ती गुल होने की वजह से हमारे कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, और 1-2 से 3 घंटे लगातार लाइट गायब रहती है और उसके बाद भी अधिकारी हैं वो प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे थे। जब हरियाणा न्यूज ने इस बारे में बात करनी चाहिए तो अधिकारियों ने कहा कि कुछ काम चल रहा है, इस वजह से शायद लाइट का बड़ा कट है। हालांकि इस तरह की कोई भी अव्यवस्था शहर में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जो झज्जर में बड़े बड़े कट देखने को मिले हैं, 3 से 4 घंटे लगातार बिजली के कट होते हैं, जिसे आम जन के साथ साथ लगातार लोग परेशान दिखाई देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी रमाकांत। तो बहुत बार देखिए आमजन भी परेशान दिखता के, और इस बार तो लघु सचिवालय में देखिए घंटों बिजली ना होना है, कितनी बड़ी लापरवाही भी अपने आप में हो जाती है। तो आज का दिन तो आप कह सकते हैं कोई कामकाज नहीं हो पाया, लोग परेशान रहे, कतारों में खड़े नजर आए, अपने काम के लिए इंतजार करते दिखे झज्जर के सामने।